कोई गणित जैसे विषय को कविता, उपन्यास और कला के माध्यम से पढ़ा सकता है? चौंकिए मत, कुछ ऐसा ही करके दिखाया है सिक्किम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखा रकौंद के शिक्षक श्री लोमस ढुंगेल ने। इनके लिए जियोमेट्री, अलजेब्रा और मैथ्स के सूत्र एक कविता है। गणित में हम कविताएं और कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। इससे बच्चों को गणित पढ़ने में काफी आसानी होती है। इसके अलावा इन्होंने सिक्किम में पर्यावरण को बेहतर करने के लिए हरियो माखा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें प्लास्टिक अपसाइक्लिंग, क्लीन पेपर, वॉलंटियर पेपर वर्कशॉप और वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। इससे जो आमदनी होती है उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। श्री लोमस ढुंगेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।